एक मिनट निकल भैया। डीपीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल तभी जी लेकर आए हैं ऑनलाइन क्लासेस फ्रॉम प्री नर्सरी टू क्लास 12। 50% डिस्काउंट ऑन गर्ल्स फीस। ऑनलाइन एडमिशन ओपन। विजिट dpsajmer.in। आज जो धार्मिक स्थलों का जो अनलॉक को लेकर जो कार्रवाई चल रही है उसमें कलेक्टर साहब ने आज मीटिंग रखी है। जैन समाज के हमारे प्रमुख लोगों को कलेक्टर साहब ने बुलाया है। तो आज मीटिंग में यही है कि आगे अनलॉक में किस तरह से धार्मिक संस्थानों को, जैन समाज के हमारे मंदिरों को कैसे खोला जाए, क्या है सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए। तो अजमेर का जो प्रशासन है बधाई का पात्र है, इन्होंने अच्छा काम किया। अजमेर की जनता सराह रही है इस काम को कि भाई संतोषजनक और अच्छा काम किया, तो हम उनको बधाई करते हैं। और साथ में जो सरकार गहलोत साहब और पायलट साहब की जो नीतियाँ, जो जिस निर्देश से जो राजस्थान सरकार में ये लागू हो रहा है कि किस तरह से अनलॉक किया जाए, तो वाकई में इसमें गहलोत सरकार और पायलट साहब बधाई के पात्र हैं। यहाँ पे जो आज हमारी मीटिंग है उस संदर्भ में हमने तो कलेक्टर साहब से बस ये की मांग है, बाहर से भी लोग दर्शन के लिए आते हैं तो उनको ठहराने का बात नहीं होगी, लेकिन हाँ ये जरूर है कि अगर वो दर्शन करते हैं, दर्शन करके सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए और सैनिटाइज़र का उपयोग करते हुए अगर एक दूरी से अगर करते हैं तो उसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। रहना ठहराने का वो बात अलग है कि हमारे कई रूम में अभी ठहराने का, हम देखते हैं आगे क्या दिशा निर्देश होते हैं। और रही बात लोकल मंदिरों की, तो लोकल मंदिरों में यही है कि हमारे लोकल मंदिरों में हमारे अजमेर की पब्लिक लोकल ही जाती है, तो हमारा यही है कि हम सारे जो समाज के प्रतिनिधि हैं इस दिशा में वैसे ही ध्यान रखेंगे। सबको अपने अपने जीवन का अपने सबको ध्यान है, तो आराम से मंदिर खोले, जैसा दिशा निर्देश हो, गाइडलाइन हो, उस तरह से सब पालन करेंगे।